नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ के मुंशियारी स्थित पलाती फार्म को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी रीना जोशी ने उद्यान विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए फार्म का निरीक्षण कर 10 इको टूरिस्ट हट्स के निर्माण की DPR तैयार करने को कहा। साथ ही फार्म में उत्पादन कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए हट्स का निर्माण उत्पादक विहीन स्थान पर करने की बात कही। बैठक के दौरान उद्यान विभाग अधिकारी को बलाती फार्म में 0.8 हेक्टेयर भूमि पर सेब के पौधरोपण करने के भी निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान मुख्य उद्यान अधिकारी त्रिलोकी राय ने बताया कि आलू उत्पादन को नुकसान पहुँचाने वाले पोटाटो नेमिटोड सिस्ट के प्रकोप की जांच के लिए बलाती फार्म की मिट्टी पंतनगर लैब भेजी गई थी। जांच रिपोर्ट में मिट्टी आलू बीज उत्पादन के लिए अनुकूल पाई गई है। आगामी फरवरी माह में आलू बीज का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। पिथौरागढ़ के झूलाघाट रामला मैदान में आज विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता राजीव चक्रवर्ती की अगुवाई में एक शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनके निस्तारण को लेकर उचित कार्रवाई की गई। शिविर के दौरान एक दर्जन से अधिक खराब मीटर को बदलने के साथ बकाया विद्युत बिल वसूला गया। साथ ही क्षेत्रवासियों द्वारा बताई गई विभिन्न समस्याओं, बिजली की लाइन में फॉल्ट को समय पर ठीक करने, विद्युत पोलों की मरम्मत करने सहित अन्य समस्याओं के लिए उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया। शिविर में ग्राम प्रधान किरण भट्ट, आलोक शर्मा, मोहन भट्ट, प्रमोद भट्ट, सुरेंद्र आर्या और अभियंता नरेंद्र भगुणा, किशोर चौबे, वरुण सैनी, हरीश कुमार, हरिमोहन जोशी, मुकेश पंकज पंत सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के रोडवेज वर्कशॉप परिसर में आज रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान कर्मियों ने कहा कि वे बीते लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं, पर उनकी मांगों को लेकर सरकार कतई गंभीर नहीं दिखती, जिस कारण उन्हें अब आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मियों ने शीघ्र मांगों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई न होने पर आगामी 31 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में अनिल त्रिपाठी, संजय महर, अनिल जोशी, पवन पांडे, उपेश उपाध्याय, विजय सिंह, कमल तिवारी, गणेश बोरा, हीरा सिंह बिष्ट, राजेंद्र यादव, चंद्रशेखर पांडे, बालम सिंह, दीपक कुमार, विनोद सामंत, मनोज शर्मा, कुंडल सिंह, संतोष जोशी सहित दर्जनों कर्मी शामिल थे। पूरा प्रदेशव्यापी आंदोलन है, जिसके पहले चरण में 23 तारीख को टनकपुर मंडल बंद किया गया था, 24 तारीख को कुमाऊं मंडल बंद किया गया था और 27 तारीख को देहरादून मंडल पूर्ण रूप से बंद रहा था। ये तीनों मंडल पूर्ण रूप से बंद रहे थे। ये हमारे आंदोलन का पहला चरण था और दूसरे चरण में 31 तारीख मध्य रात्रि 12 बजे से उत्तराखंड परिवहन निगम के समस्त डिपो में कार्य बहिष्कार और चक्का जाम हो जाएगा। उत्तरांचल मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का अष्टम द्विवार्षिक अधिवेशन नई कार्यकारिणी के गठन के साथ संपन्न हो गया, जिसमें अध्यक्ष विक्रम सिंह रौतेला, उपाध्यक्ष सुंदर सिंह मर्तोलिया, जिला सचिव कमलेश जोशी, कोषाध्यक्ष देवराज सिंह कन्याल, संगठन मंत्री योगेंद्र बोरा, संप्रेक्षक कविंद सिंह वल्दिया, संरक्षक प्रतिभा बोरा, कार्यकारिणी सदस्य नवल चौधरी, हरीश मखौलिया, विपिन पंत व मीडिया प्रभारी पारस कापड़ी को चुना गया। नई कार्यकारिणी का गठन फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर एसोसिएशन के जिला महामंत्री विजेंद्र लुंठी, प्रांतीय संगठन मंत्री PS मेहता व संरक्षक MC जोशी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के हुड़ेती गांव के रहने वाले, अपनी रचनाओं व मधुर आवाज से पहचाने जाने वाले रंगकर्मी जनकवि जनार्दन प्रीति जनू द्वारा रचित गीत को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी में जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल के शामिल होने पर सीमांत में खुशी की लहर व्याप्त है। लोगों ने इसे जिले सहित प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस अवसर पर कर्तव्य पथ पर जनकवि जनार्दन प्रीति द्वारा रचित जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल की धुन पर पिथौरागढ़ के छोलिया दल के साथ उत्तराखंड की मानसखंड झांकी देखते ही बन रही थी, जो सोशल मीडिया में भी काफ़ी वायरल हुई। जनुदा की उपलब्धि पर तमाम संगठनों के लोगों ने इसे सीमांत की बड़ी उपलब्धि बताते हुए शुभकामनाएं दी हैं। जनार्दन प्रीति ने अपनी इस उपलब्धि के लिए कुमाऊं लोक संस्कृति कला दर्पण लोहाघाट के वैरव राय और चांदनी एंटरप्राइजेस के नवीन टोलिया का आभार व्यक्त किया है। जनुदा की इस उपलब्धि पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें सम्मानित करने का निर्णय भी लोगों द्वारा लिया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान कल्पना उप्रेती और जनमंच के संयोजक भगवान रावत ने कल यानी रविवार को सम्मान समारोह में लोगों
लोगों से उपस्थित होने की अपील भी की है। पिथौरागढ़ के स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता आगामी 31 जनवरी से शुरू होगी। यह जानकारी देते हुए प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चंपावत, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, टेहरी, गढ़वाल, पौड़ी, पिथौरागढ़ व जौहार क्लब मुंशियारी सहित 11 टीमें प्रतिभाग करेंगी। पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में आयोजित 7-a-side फुटबॉल प्रतियोगिता में शनिवार को सेमीफाइनल मैच खेले गए, जिसमें पहला सेमीफाइनल मुकाबला AFC और रोइना के मध्य खेला गया, जिसमें AFC की टीम विजयी रही। दूसरा मैच GIC व DSC की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें GIC विजयी रही। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कल यानी रविवार को GIC व AFC के मध्य खेला जाएगा। आज के मैच के मुख्य अतिथि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच शुरू करवाया। प्रतियोगिता में 20 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर कई खेल प्रेमी मौजूद थे। पिथौरागढ़ के पर्यटन नगरी मुंशियारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेयजल आपूर्ति बाधित होने व परिसर में फैली गंदगी के कारण चिकित्सा कर्मियों और अन्य लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने समस्या के शीघ्र समाधान न होने पर कार्य बहिष्कार व उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विगत एक सप्ताह से पानी की भारी किल्लत हो रही है। पानी के अभाव में कर्मचारी समय पर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो पा रहे और मरीज भी इतने परेशान हैं कि पानी के लिए एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और बाहर से बोतल का पानी लेके मरीजों को पिलाया जा रहा है और अवगत भी कराया गया है, लेकिन संबंधित विभाग इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है, जिस कारण जो है यहाँ पर आए दिन पानी की समस्या हो रही है। और अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण जो संस्थान है, यहाँ पर पानी की समस्या होना अपने आप में विभाग के कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। हम चाहेंगे कि तुरंत ही तहसील प्रशासन इस मुद्दे का संज्ञान लें और संबंधित विभाग को दिशा निर्देश करें। सड़क चौड़ीकरण के लिए चट्टान को तोड़ने के लिए जो ब्लास्टिंग की जा रही है वह कंट्रोल ब्लास्टिंग के रूप में की जा रही है, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह निर्देश आज जिलाधिकारी रीना जोशी ने जिला कार्यालय सभागार में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग ढूंगातोली से तवाघाट के चौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा के दौरान BRO के अधिकारियों को दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को चौड़ीकरण की जद में आ रही भूमि व भवनों के प्रतिकर के ऑनलाइन भुगतान के लिए संबंधित भूस्वामियों के आवश्यक दस्तावेज के एकत्रीकरण व ऑनलाइन प्रक्रिया के संपादन के लिए फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में तिथियां निर्धारित कर जिले के छारचूम, बलवाकोट, धारचूला और रांची में शिविर का आयोजन करने के निर्देश जारी किए, जिससे लोगों के प्रतिकर भुगतान हो सके। साथ ही DM ने लोगों द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित किए जा रहे भवनों के मूल्यांकन को लेकर लोगों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को मौके पर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।